नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। मैं हूं तेरीना तुंखा। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 29 जनवरी को जयरामपुर पुलिस ने रविवार रात को दो अवैध कोयला ट्रक को पकड़ा। 30 जनवरी को कोविड राज्यव्यापी प्रतिबंध जारी, छठी कक्षा से फिर से खुला स्कूल। 31 जनवरी को खोंसा में नशा तस्करी के आरोप में पंचायत सदस्य गिरफ्तार। 31 जनवरी को रंगदारी मामले में जिला कोर्ट ने एनएसएन के लेफ्टिनेंट को 10 साल कैद की सजा सुनाई। 1 फरवरी को ANKY और ANBY के क्रियान्वयन पर मुख्य सचिव ने जताया नाखुशी। 2 फरवरी को लोंगडिंग जिले में 3 सड़क निर्माण श्रमिकों का अपहरण। 2 फरवरी को सांसद तापिर गांव ने कहा, अदालत के बाहर समझौता अंतर्राज्य सीमा मुद्दे को सुलझाने का एक अच्छा तरीका। 4 फरवरी को DCM चौना मीन ने आदिवासी विकास परियोजना का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त के आदेश का पालन करते हुए और अवैध खनन पर नजर रखते हुए रविवार शाम को जयरामपुर पुलिस ने ओलखामदू क्षेत्र से कोयला लदे दो ट्रकों को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त इनपुट पर कार्रवाई करते हुए OC प्रभारी श्री के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम एन रांगो ने खामदू जयरामपुर जंक्शन के पास कोयले से लदे दो ट्रकों की तलाश की और अवैध रूप से खनन किए गए कोयले से भरे दो डंपर ट्रकों को पकड़ा। इससे पहले DC देवांश यादव ने ETN को दिए इंटरव्यू में जानकारी दी है कि उन्हें डिगबोई DFO से ओलखामदू इलाके में अवैध कोयला खनन के संचालन की शिकायत मिली है और नामचिक नामफुक कोयला खदान की नीलामी को ध्यान में रखते हुए DC ने पिछले महीने दिसंबर में एक आदेश जारी किया था कि जिले में कोयले का कोई भी नया खनन या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने संबंधित MDO और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने और ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिए थे। इस संबंध में जयरामपुर MDO और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जयरामपुर पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किया गया है और बाद में बकायेदारों के खिलाफ IPC और NNDR अधिनियम की धारा 379/34 के तहत गैर जमानती मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने एक बार फिर से राज्य भर में COVID-19 प्रतिबंधों को 14 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यह आदेश राज्य में कोविड सकारात्मक मामलों में वृद्धि को देखते हुए आया है। कक्षा 5 तक की सभी शारीरिक कक्षाएं 14 फरवरी तक स्थगित रहेगी। छात्रावासों में शारीरिक कक्षाओं और बोर्डिंग की अनुमति केवल कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए 50% कक्षा में उपस्थिति के साथ दी जाएगी, जबकि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कक्षाओं में भाग लेने वाले सभी 15 वर्षीयों और उससे ऊपर के छात्रों ने COVID-19 वैक्सीन लिया है। जैसा कि पहले आदेश दिया गया था, बार, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता पर संचालित करने के लिए विनियमित किया जाएगा, जबकि साप्ताहिक बाजारों और हाटों जैसे सामूहिक समारोहों की अनुमति नहीं दी जाएगी। तिरप पुलिस के एंटी ड्रग्स स्क्वाड ने सोमवार को जिला मुख्यालय में कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में इंजीनियरिंग कॉलोनी से एक पंचायत नेता को गिरफ्तार किया है। खोंसा में तैनात CRPF की 36वीं बटालियन के साथ पुलिस ने 30 और 31 जनवरी की रात को S. बेसाई को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर नोगोइंगथोंग गांव का ग्राम पंचायत सदस्य है। पुलिस ने कहा कि खोंसा टाउनशिप में और उसके आसपास ड्रग्स बेचने वाले एक व्यक्ति के बारे में विश्वसनीय इनपुट के आधार पर CRPF के साथ तिरप पुलिस की एंटी ड्रग्स स्क्वाड ने इंजीनियरिंग कॉलोनी स्थित एक संदिग्ध घर पर छापा मारा, जहां से बेसाई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बेसाई के खिलाफ खोंसा पुलिस थाने में मादक पदार्थ एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21B के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है। तिरप जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को स्वयंभू NSN के लेफ्टिनेंट तेलाई वांगसू को लोंगडिंग पुमाऊ क्षेत्र के ग्रामीणों के घर कर वसूलने और प्रतिबंधित हथियार रखने के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वांगसू को 19वीं सिख रेजिमेंट की अल्फा टुकड़ी ने 13 सितंबर 2019 को लोंगडिंग जिले के लोंगखाव गांव से गिरफ्तार किया था। फिर उसे लोंगडिंग पुलिस को सौंप दिया गया और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी जाफा वांगसा ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में तेलाई वांगसू पर भी जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर कृषि योजना ANKY की प्रगति की स्थिति और बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बागवानी योजना ANBY पर नाखुशी व्यक्त की है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को नागरिक सचिवालय में दो योजनाओं के समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने में बैंकिंग संस्थानों द्वारा देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तथ्य के बावजूद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बहुत पहले ही बैंकों को फ्रंट एंड सब्सिडी जारी कर दी है। अरुणाचल टाइम्स की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार ANBY के तहत स्वीकृत बैंक ऋण 3598 आवेदकों के मुकाबले 1090 और 385 HSG के मुकाबले 161 है। इसी तरह SBI द्वारा प्राप्त 2182 आवेदनों के मुकाबले ANKY के तहत स्वीकृत ऋण की स्थिति 408 है। ANKY और ANBY राज्य सरकार की दो क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पिछले साल सितंबर में कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सरकारी सब्सिडी, बैंक ऋण और लाभार्थी के योगदान के साथ शुरू किया था। बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में लोंगडिंग पुलिस ने बताया है कि 31 जनवरी की रात को अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के पुमाओ से ANSYNKY के उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर 3 सड़क निर्माण श्रमिकों का अपहरण कर लिया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि अपहरणकर्ता पुमाओ और लंखाओ के बीच सड़क निर्माण में लगे थे और वे उस शिविर स्थल पर ठहरे थे जहां से अपहरण हुआ था। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि अपहरित व्यक्तियों को उसी रात नागालैंड ले जाया गया। हालांकि 3 में से एक वांगफुआ वांगपन, जो लोंगडिंग जिले के लोंगखाओ गांव का निवासी है, और अपहरणकर्ताओं ने उन्हें रिहा कर दिया है, जबकि अन्य दो अभी भी उग्रवादियों के हिरासत में है। एक असम के हिरेन कोच और दूसरा बिहार के रामाशीष महतो, जो एक JCB ऑपरेटर हैं। कथित तौर पर उन्होंने शिविर स्थल पर मोबाइल फोन और वाहन की चाबी छीन ली, जिसके कारण मंगलवार देर शाम को अपहरण की सूचना मिली। बाकी मजदूरों को घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस बीच सुरक्षा बलों ने अपहरित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में भाजपा सांसद तापिर गांव ने UNI को बताया कि असम अरुणाचल के बीच अंतर्राज्य सीमा मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा तरीका अदालत से बाहर है। गांव ने कहा, अरुणाचल प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य असम के साथ अंतर्राज्य सीमा मुद्दे को अदालत के बाहर सुलझाने की कोशिश कर रही है। लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को निपटाने का यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अदालत के माध्यम से इसमें काफी समय लगेगा। सीमावर्ती राज्य सहित पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा मुद्दों को हल करने के लिए आगे आने के लिए असम के मुख्यमंत्री और उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन नेडा के संयोजक हिमंत बिस्व शर्मा की सराहना करते हुए गांव ने आशा व्यक्त की कि परिणाम सकारात्मक होगा। विशेष रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राज्य सीमा पर विवाद के 1200 से अधिक बिंदु हैं, जिनमें से अकेले चांगलांग जिले में कम से कम ऐसे 5 विवादित क्षेत्र हैं और असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्य सीमा को साझा करते हैं। और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शुक्रवार को नामसाई में आदिवासी विकास कोष के तहत नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नोसाप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू किए जा रहे स्थायी और भागीदारी आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से 200 आदिवासी परिवारों को उनकी आजीविका बढ़ाकर सीधे लाभान्वित करेगी। राज्य के विकास में एक प्रमुख भागीदार होने के लिए नाबार्ड की सराहना करते हुए DCM ने कहा, ऋण से जुड़ी योजनाओं और रोपण फसलों की खेती को सफल बनाने के लिए किसानों में खेती और उत्पादन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। मीन ने 20 जनवरी को जीरो लोअर सुबनसिरी में लिए गए कैबिनेट के फैसले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य सरकार 500 महिला SSG को 1,00,000 रुपये और माल परिवहन वाहनों की खरीद के लिए 300 प्राथमिक स्तर के संघों को पूंजीगत सहायता के रूप में 2,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।